वेट कौन सा स्नेक है? ओ पिट वाइपर गाइस फाइनली मिल गया। इंडियन फॉरेस्ट सिर्फ अपने मैजेस्टिक नेचर के लिए नहीं पर अपने डेडली क्रीचर्स के लिए भी बहुत फेमस है। ये क्रीचर्स नाइट में आपको नाइटमेयर बिल्कुल दे सकते हैं, और नाइटमेयर से मेरा मतलब है स्लिदरिंग स्नेक्स और क्रीपी स्पाइडर्स। अब नॉन प्रेडेटरी एनिमल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नाइट फॉरेस्ट सर्वाइव करना। इनफैक्ट कुछ एनिमल्स जैसे कि बुल फ्रॉग अपने साइज का एडवांटेज लेता है अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए, एंड कुछ दूसरे एनिमल्स डिपेंड करते हैं अपने एजिलिटी पे एंड अपने कैमोफ्लेज टेक्निक पे। बट कभी कभी नाइट फॉरेस्ट में ना एनिमल्स की एजिलिटी काम आती है एंड ना उनकी कैमोफ्लेज टेक्निक, एंड इसका रीज़न है एक ऐसा प्रेडेटर जो रात को इन फॉरेस्ट को रूल करता है। आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वेस्टर्न घाट्स एंड मैं ढूंढने निकला हूँ ऐसा ही एक प्रेडेटर जो इंडियन फॉरेस्ट का अर्बोरियल किंग है एंड जिसका नाम है बैम्बू पिट वाइपर। तो अगर आप रेडी हो देन लेट्स बिगिन द एडवेंचर। पिट वाइपर्स को ढूंढना कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता है क्योंकि ये मास्टर्स ऑफ कैमोफ्लेज होते हैं। रात के टाइम पे इनको ढूंढना मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है, बट मैं वाइट लाइट का यूज़ करता हूँ। वाइट लाइट में बहुत इजीली दिख जाते हैं पिट वाइपर्स। उनकी जो स्किन होती है वो शाइन करती है वाइट लाइट में, उनके स्केल शाइन करते हैं। तो होपफुली पिट वाइपर पास में हो, अगर वो पास में रहेगा तो पिट वाइपर ईजिली मिल जाएगा मुझे। बट अगर वो अंदर के साइड में रहेगा, जैसे आप ये फॉरेस्ट देखो कि अगर वो यहाँ कहीं पर रहेगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मुझे पिट वाइपर को ढूंढने के लिए। बट हम अपना सर्च चालू रखते हैं एंड देखते हैं कि हमें पिट वाइपर कितना जल्दी और कितना इजीली मिल सकता है। ओके गाइस, तो मुझे ना अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। मुझे मिला है एक ट्री फ्रॉग, एंड ट्री फ्रॉग जो होते हैं वो पिट वाइपर के लिए सबसे बेस्ट फीस्ट होती है। ट्री फ्रॉग्स के जो उंगलियां होती है, फिंगर्स होते हैं, उस पर सक्शन पैड्स होते हैं, तो बेसिकली ये किसी भी सरफेस पे स्टिक कर सकती है बहुत इजीली। इनफैक्ट स्मूथ से स्मूथ सरफेस पे जैसे ग्लास पे, तो अगर कोई ग्लास है उसके ऊपर भी ये इजीली स्टिक कर सकते हैं, एंड ये करने में इनको हेल्प करता है ये सक्शन पैड्स जो उनके उंगलियों पे होते हैं। ट्री फ्रॉग भी एक नॉक्टर्नल क्रीचर है, ये रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन के टाइम पे ये छोटे प्लांट्स पे या छोटे बुशेस पे छुप जाते हैं। अभी इसका जो नाम है ट्री फ्रॉग वो डिफाइन करता है कि ये फ्रॉग्स करते क्या, रहते कैसे। ये ट्रीज़ पे रहते हैं, तो फॉरेस्ट में जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो पेस्ट होते हैं उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उन फॉरेस्ट को बैलेंस रखने में इनका बहुत मेजर रोल होता है। अभी ट्री फ्रॉग्स बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते, टॉक्सिक नहीं होती इनकी स्किन। अगर ज़्यादा थ्रेटन हुआ तो कोई भी फ्रॉग एक मस्क जैसा सब्सटेंस आपके हाथ पे छोड़ता है जिससे आपका हाथ थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है, एंड कभी कभी ये सब्सटेंस स्टिंग भी करता है। लकीली ट्री फ्रॉग ने मेरे हाथ पे ऐसा कुछ नहीं किया, एंड अभी मैं इस फ्रॉग को रिलीज़ कर देता हूँ वापस उसके हैबिटेट में, एंड हम अपने जर्नी पर वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके गाइस, तो वैसे तो हम पिट वाइपर ढूंढ रहे थे, बट गेस व्हाट, मुझे क्या मिला है? तो यहाँ ऊपर दो वाइन स्नेक्स है जो सोए है, तो मैंने उसे दूर से देखा, मुझे लगा मुझे मेरा टारगेट स्पीसीज मिल चुका है, बट ओके ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे चेक कर लेंगे। एंड वैसे भी वाइन स्नेक को रात को डिस्टर्ब करना कोई अच्छी बात नहीं होने वाली, तो देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे टॉर्चेस की बैटरी डिम हो गई है थोड़ी, आप देख सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं, मतलब आपको कुछ मुझे कुछ विजन नहीं मिल रहा है इससे, एंड फॉग भी बहुत हो गया है। अभी तक मुझे कोई पिट वाइपर नहीं मिला है और हम लोग कॉन्स्टेंटली सिर्फ ढूंढ ही रहे। हाँ एक सेकेंड, लगता है कोई तो स्नेक मिला है। कौन सा स्नेक है? ओ पिट वाइपर गाइस फाइनली मिल गया, बैम्बू पिट वाइपर। फक कैसे दिखा तुझे?
ये पहले नीचे कैविटी में बैठा था, ये सेक्शन में यहाँ पे नीचे कैविटी में था, फिर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो ऊपर आ गया। ओके, और उसने किसी चीज पे फीड किया है, उसका बेली भरा हुआ है, जो ही ना ही लगे फ्रॉग खाया होगा डेफिनेटली। ये नॉर्मली ऐसे ही बैठे हुए दिखते हैं, मतलब नीचे मुंह करेंगे ताकि जो फ्रॉग आजू बाजू से जाएंगे उन पे फीड कर सकते हैं फिर वो। ओके गाइस, तो इस वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि मेरे सामने अर्बोरियल किंग खुद बैठा है। एंड मुझे आपको ये स्नेक दिखाना था क्योंकि ये स्नेक ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे लाइफ में। क्यों मैं वाइल्ड लाइफ से इतना मोटिवेट हुआ, क्यों मैंने चूज़ किया कि मुझे वाइल्ड लाइफ में आना है और मुझे एक नेचुरलिस्ट बनना है। तीन एनिमल्स हैं मेरे लाइफ में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसमें से एक पिट वाइपर है, एक है प्रेइंग मैंटिस और एक है पैरट। अभी एक जुवेनाइल है, जब ये फुल अडल्ट हो जाएगा तभी इसकी जो लोअर बॉडी है, लोअर जो स्केल्स होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। एंड अगर ये किसी ट्री में ऊपर बैठा है और आपने टॉर्च मारा तो आपको येलो कलर का पूरा पैच दिखता है उसके बॉडी पे। हर एक अर्बोरियल स्नेक के पास एक कुछ ऐसा फीचर होता है, एक कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जो उसको दूसरे अर्बोरियल स्नेक से अलग कर देता है। एंड पिट वाइपर के केस में उसकी एबिलिटी ये है कि वो उसके पास हीट सेंसिंग पिट्स है, तो जो आगे का पोर्शन है पिट वाइपर के नोज़ के यहाँ का, वहाँ पे दो हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं जिसके थ्रू हीट सिग्नेचर्स कलेक्ट कर सकते किसी भी एनिमल के। तो अब जो हम जो बोलते हैं कि मैं आग बन करके कुछ कर लूँगा, पिट वाइपर रियलिटी में आग बन करके कुछ कर सकता है। पिट वाइपर एक नॉक्टर्नल स्नेक है, डे टाइम में ये छुपे रहते हैं, डे टाइम में ज़्यादा बाहर नहीं आते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डे टाइम में हंटिंग नहीं करते। मैंने कभी कभी कुछ कुछ पिट वाइपर्स को डे टाइम में भी हंट करते हुए देखा है। यूजुअली नाइट में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मैं इतने पास खड़ा हुई पिट वाइपर के क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हो आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिट वाइपर का वेनम बहुत ही पोटेंट होता है, वो आपको एक ऐसे कंडीशन में डाल सकता है जहाँ पे आपको डॉक्टर की भी नहीं हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्टली। बट एक स्ट्रेंज चीज़ ये है कि पिट वाइपर एक वेनमस स्नेक है, बट आज तक इंडिया में कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि किसी पिट वाइपर से किसी इंसान की जान चली गई। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि पिट वाइपर ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते ह्यूमन से, ये झाड़ियों में रहते हैं, अनलाइक अदर स्नेक्स जो हमारे घर में आते हैं, जैसे कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, वो रेस्क्यू कॉल्स पे बहुत ये चीज़ें देखने मिलती हैं, बट पिट वाइपर उनमें से एक नहीं है। कभी मैंने ये नहीं देखा है कि पिट वाइपर किसी घर में चला गया। अब पिट वाइपर ज़्यादा करके ग्राउंड पे नहीं आते, मुझे जब ये पिट वाइपर मिला तो ये यहाँ पे बैठा हुआ था, और पिट वाइपर्स की आदत है कि ये झाड़ के नीचे वाले सेक्शन में आते हैं एंड अपना मुंह ये साइड पे बाहर के साइड में रख के बैठे रहते हैं हंटिंग के लिए। एंड जब भी यहाँ से कोई पासिंग फ्रॉग होगा तो वो पासिंग फ्रॉग पे ये फीड कर लेते हैं। आई होप आपको ये स्नेक पसंद आया होगा उतना ही जितना मुझे ये स्नेक पसंद है, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अब हम इससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको अगर और किसी स्पीसीज़ के स्नेक्स को या और किसी भी एनिमल स्पीसीज़ को देखना होगा तो, एंड अगर आप ये चाहते हो कि आपके फैमिली और अपने फ्रेंड्स ये देखें और ये समझे कि नेचुरल हैबिटेट में एनिमल्स कैसे रहते हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। विद दैट सेड, टेक केयर, लॉन्ग लिव नेचर, बाय।